कच्ची बिहार में 72 घंटे उसको बंद किया गया था, 72 घंटे उसने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ पानी पिया था, जहां तक मीडिया के माध्यम से या गांव वालों के माध्यम से हमको जानकारी मिली थी। तो काफ़ी परेशान है, बहुत परेशान है। आप जब एक बार जाके वहाँ देखेंगे आप, तो हमें लगता है वो 7 किलो का रहा होगा। तब खेत में बहुत दिन बाद हम आए हैं, जहाँ पे सारस पक्षी को लेकर हम घूमा करते थे अक्सर, साथ ही मुलाकात होती थी हमारी उनकी, और जब से उसको लेकर गए हैं आज पहली बार हम घर आए हैं। ये खेत दिखाना चाहेंगे, इसी खेत में जो बड़ी बड़ी मीडिया के लोग आए थे इसी खेत में थे। 9 दिन बाद आज घर आए हैं हम, अपने सब लोगों से मिले, काफ़ी सब लोग दुखी हैं। बाकी आप लोग आगे वीडियो में देखिए, नोटिस के बारे में कुछ बताया गया है, जो नोटिस दिया गया था वन विभाग की तरफ से उसके बारे में कुछ बताया गया है, और पूरा वीडियो देख कर आप लोग। 21 तारीख के बाद से जब से वन विभाग के अधिकारी सारस को यहाँ से लेकर गए हैं, ये वीडियो, ये जो खेत, जिस खेत में हम लोग खड़े हैं, आपने कई बार देखा होगा, कई सारे बड़े चैनलों पे, मीडिया सारे बड़े चैनलों पर आपने इस खेत को देखा होगा। इस खेत में अखिलेश यादव स्वयं यहाँ पर आके खड़े थे, आरिफ थे, अखिलेश यादव थे, उनका सारस था, लेकिन आज सिर्फ मेरे साथ में आरिफ खड़े। आरिफ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, वन विभाग के अधिकारी आपको कहीं ना कहीं सारस को लेके गए रायबरेली, रायबरेली के बाद उसको ट्रांसफर किया गया कानपुर, इस प्रक्रिया में किस तरीके से आपको इंटरनली किस तरह से प्रभाव पड़ा है? काफी परेशान हुए हैं हम इन बीते 9 दिनों में, इतना शायद ही अपने जीवन में हम कभी नहीं परेशान हुए थे जो 9 दिनों में हमको देखना पड़ा। और फिर जब आए एक तो मेरा सारस यहीं पे था, जहाँ पे हम लोग खड़े यहीं पे था, जब लेने उसको आए थे तो तैयार होकर जायज जा रहे थे, और फिर आने के बाद वो बोले कि लखनऊ से आदेश आ गया, इसको लेके जाना पड़ेगा। तो हमने कहा ले जाइए, फिर आदेश आ गया है तो हमने ही फिर वाइल्ड लाइफ के नियम ज़्यादा हमको पता नहीं था, हमें दिक्कत होती बाद में, इसलिए हमने कहा ले जाऊँ, फिर वो आए लेकर चले गए समस्त बच्चे। ये जो जिस तरीके से इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव डायरेक्टली इन्वॉल्व है, आपके साथ 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, आप साथ कानपुर गए थे, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, सभी लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, जो मदद करने आए सबका स्वागत है, पहले कोई आए तो मदद करने, वो अखिलेश भैया आए मदद करने तो उनके साथ हम हैं। आप कानपुर गए थे? हाँ, वहाँ पे क्या हुआ? कानपुर गए थे, पहले 2-3 कार्यक्रम थे भैया गए, और दूसरी जगह उसके बाद फिर चिड़ियाघर गए, चिड़ियाघर में सारस तो नहीं दिखाया गया, CCTV कैमरे में दिखाया गया हमको, और बाकी चिड़ियाघर थोड़ा बड़ा और घूमा। आपको वहाँ पर दिखाया नहीं गया, आपको CCTV कैमरे के माध्यम से सारस से कहीं ना कहीं, वैसे अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो वो 15 दिन बाद बोले हैं, 15 दिन बाद फिर जाएंगे देखें। 15 दिन के बाद आप मुलाकात करेंगे? हाँ, मुलाकात करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आप वापस आए घर पे, कितने दिनों बाद वापस आए? जब से सारस गया आज पहली बार। कैसा महसूस हुआ? एकदम खाली खाली सब लग रहा है यहाँ पे, पहले जब आते थे वापस तो कहीं दूर आर बगैर दूर पर दिखाई दे रहे हैं, यहीं सारस कहीं रहता था तो जैसे हमारी गाड़ी के हॉर्न सुनता था उड़ते हुए तुरंत वापस मेरे पास आ जाता था, खेलता था जैसे आप लोगों ने तमाम विजन में देखा है, उछलता था, उसके बाद खाना खाते थे दोनों लोग, फिर हम दौड़ते थे वो भी दौड़ता था, बाइक से जाते थे वो भी, काफ़ी कुछ चीज़ें छूट गई हैं उसके जाने के। अब आप घर पर आए तो जिस तरीके से आप बता रहे, अब आपका कैसा शेड्यूल रहेगा, पहले कैसा शेड्यूल था और अब में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है? पहले उसके साथ लगभग 8 से 10 किलोमीटर रोज बाइक पे हमको दोनों लोग घूमने जाते थे, ऊपर हम बाइक से, और उसके बाद साथ खाना खाते थे। तो सब चीज़ें अब दोबारा जीवन में पता नहीं कब आएंगे, उम्मीद करते हैं जैसे उसको रिलीफ किया जाएगा वहाँ से, किसी भी जंगल में छोड़ा जाएगा, ज़्यादा दूर छोड़ दिया जाएगा, एक हफ्ता नहीं और नज़दीक कहीं छोड़ा जाएगा, 2-3 दिन में वो फिर वापस आ जाएगा, हमको ऐसा विश्वास है अगर उसको रिलीफ किया जाता है तो। वापस चलते हैं कानपुर की तरफ थोड़ा सा। कानपुर चिड़ियाघर का जो अधिकारियों का जो रवैया था आपके साथ, किस तरह का रवैया था? नहीं, रवैया उनका कोई दिक्कत नहीं, सब लोग बढ़िया हैं, सब लोग अच्छे थे, अच्छे से पेश आए, नाश्ता वास्ता कराया सब लोगों ने, उसके बाद इमोशनली टच नहीं दिखा आपको कि जिस तरीके से आपने उसके 1 साल 1.5 साल आपने उसके साथ बिताया है, उसके बाद स्कूल जाके बंद कर दिया, आप जिस तरह से डिप्रेस्ड हैं उस तरीके से अधिकारियों के मन में कुछ इस तरीके का प्यार दिखा आप लोगों के बीच का कुछ? नहीं, वो कह रहे थे ये बीमार है तो क्या हुआ, मैं बीमार उमार नहीं, वो बिल्कुल ठीक था, मेरे यहाँ था, अभी तक कभी बीमार नहीं हुआ, एक बार जब उसका पैर टूटा था वही टूटा था, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अब वो लोग डॉक्टर नहीं पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं उसके साथ। अच्छा, अखिलेश यादव की तरफ से आपको कोई आश्वासन दिया गया है कि वो सारस नहीं मिला तो फिर क्या हो सकता है या आगे भी कोई बता? नहीं, आश्वासन क्या, भैया भी देख रहे हैं उसी कानूनी प्रक्रिया में, जैसे भी होता है अगर उसको रिलीफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको ना मिले, हम नहीं चाहते, हमको क्योंकि राजकीय बच्ची है उसको पाल नहीं सकते, इसलिए हमको नहीं चाहिए वो ना मिले हमको, पर ये चाहिए कि उसको आज़ाद कर दिया जाए इन्हीं खेतों में जहाँ रहता था पहले,
या जो है उस साइड में जो तालाब क्षेत्र है यहीं कहीं लाके उसको रिलीफ कर दिया जाए, उसकी जहाँ दिल करे वहाँ रहने लगे। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत एक नोटिस भेजा गया जिसमें ये कहा गया कि आपने उसको बंद करके रखा, उसके अकॉर्डिंग नोटिस दिया गया। लेकिन अब जब चिड़ियाघर प्रशासन स्वयं उसको बंद करके रख रहा है तो इस पर क्या कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे कि जिस तरह से, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि आप उसको खुला छोड़ के रखिए, तरफ उल्टी तरफ देखा जा रहा है, जब अगर चिड़ियाघर की तरफ देखा जाए तो उसको बंद करके रखा गया, इस पर कुछ कहेंगे? हाँ, इसके बारे में भैया कुछ बोले थे कल की जो नोटिस आया है उसको वापस, भैया यानी अखिलेश यादव, जी जो नोटिस आया है उसको वापस लिया जाए, नहीं तो पहले वहाँ आजाद था, ये लोग बंद करके रखे हैं चिड़ियाघर में, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ बोले थे। मतलब इस चीज़ को कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं अपने सारस के लिए कि उसको भी अब खुला छोड़ दिया जाए, उसको आजाद छोड़ दिया जाए, आप चाह रहे हैं कि उसको चिड़ियाघर प्रशासन रिलीज कर दे? हाँ, रिलीज कर दे, उसके बाद जहाँ दिल करे वहाँ जाए। अच्छा, ये 2 तारीख का जो नोटिस है, क्या आप उस पर जाएंगे वहाँ पर जवाब देने? 2 तारीख का जो नोटिस है जवाब क्या देने जाएंगे, वो शायद वापस ले लिया उन्होंने, वापस ले लिया गया जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ी खबर यहाँ पर ये है, आरिफ के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो नोटिस मिला था वन विभाग की तरफ से, अमेठी प्रशासन की तरफ से, उसको वापस ले लिया गया, क्या वजह है कि इसको वापस ले लिया गया? अब वो कुछ सोचा समझा होगा उन लोगों ने कि कोई, क्योंकि ना कभी उसको हम बंद किए थे, सब लोगों को पता है, ना कभी बांध के रखे थे, ना कभी कैद करके रखे थे। अगर उसको हम कैद करके रखते तो जो बाइक से हम जब चलते थे वो मेरे ऊपर उड़ता था, तो उड़ के चला जाता, मेरे पास कहाँ था वो फिर, तो इसलिए उन लोगों ने सोचा समझा होगा, कुछ अपना विचार किया। यानी अब आप 2 तारीख को किसी भी तरीके के नोटिस का जवाब देने नहीं जाने वाले, क्योंकि उसको वापस ले लिया गया है। क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ गए होंगे, क्योंकि अब एक तरह से दलील दी जाए तो उन्होंने खुद ही बंद करके रखा है, आपने बार बार ये चीज़ कहा है कि उसको बंद करके रखा जा रहा है, बंद करके रखा जा रहा है, जबकि आप आजाद समस्तपुर पच्ची बिहार में 72 घंटे उसको बंद किया गया था, 72 घंटे उसने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ पानी पिया था, जहां तक मीडिया के माध्यम से या गांव वालों के माध्यम से हमको जानकारी मिली थी। तो काफ़ी परेशान है, बहुत परेशान है। आप जब एक बार जाके वहाँ देखेंगे आप, तो हमें लगता है वो 7 किलो का रहा होगा, तब 5 ही किलो का बचा होगा। आपके प्रति जनता की बड़ी संवेदना है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सब लोगों का प्यार है, तभी ये नोटिस वापस लिया गया, सब लोग एकजुट होके हमारे लिए आवाज़ उठाए, तभी नोटिस वापस लिया गया, नहीं नोटिस ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमसे बात की। अब आपको कैसा लग रहा है, मतलब एक आखिरी सवाल है, नोटिस वापस चला गया, क्या इससे पहले आपको टेंशन था कि जिस तरह से उसको नोटिस का कोई हमको टेंशन नहीं था, टेंशन सिर्फ सारस का है, जब तक वो रिलीफ नहीं हो जाता, जब तक वो नहीं हो जाता अभी हम फिर जैसे पहले थे वैसे नहीं हो सकते। अभी जब से मतलब कि वो बैक नहीं था, क्योंकि दोस्त था एक मेरा, रहते रहते इतना अच्छा दोस्त बन गया था, अब क्या बताएं। एक बार आप दर्शकों को हमारे माध्यम से बता दीजिए कि जो नोटिस था वो किस तरीके से कैंसिल हो चुका है, आप कहीं ना कहीं टेंशन लेने की अगर दर्शकों, हाँ जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, भाई लोग हैं, बहन हैं, और उन सबको ये बताना चाहेंगे जो प्रशासन की तरफ से नोटिस आया था वो वापस ले लिया गया है। अभी हम घर पहुँचे तो थोड़ी देर बाद एक बाबू साहब आए थे वहाँ से, वन विभाग से, उन्होंने कहा नोटिस आपका वापस ले लिया गया है, आपको 2 तारीख को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो नोटिस